अल्लाह। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज कर दूँ। कुरान करीम को समझने की ज़रूरत होती है। बाज़ लोग कुरान के लफ्ज़ों को देख कर ना हठधर्मी पे अड़ जाते हैं। ये उनके लिए कुरान जगह 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 नसीहत छोड़ देता है, लेकिन मानते नहीं तो बंदा क्या करे। अब कोई ना माने उसका कोई इलाज है? अब देखें, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन। जिस वक्त ये कुरान नाजिल हुआ उस वक्त कुफार मक्का में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके बाप थे? किसी के बाप थे? कुरान तो कह रहे तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन, तो क्या अड़ जाएं कि नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुफार के बाप थे? कुरान कह रहे बाप थे, है कोई तुक बनती है? हजारों साल का बीच में फासला है, कम वेश 2000 साल का फासला, कोई तुक बनती है कि बाप माने? फिर मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है, उस वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप कह दिया। तो जिस तरह यहाँ बाप ना होने के बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप कह दिया, इसी तरह कुरान करीम ने जब फरमाया है कि इस काल इब्राहिम ले अभी है आज़र, याद करो कि जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा वहाँ भी वो सगा बाप नहीं था, चचा था। जिस तरह यहाँ बाप कह दिया गया वहाँ चचा को बाप कह दिया गया, लेकिन लोग नहीं मानते। तो ना माने कोई उसकी ज़बरदस्ती क्या है? जिन्होंने तावील की कि यहाँ बाप बाप से मुराद चचा है सगा बाप नहीं, उन्होंने क्यों तावील की? उन्होंने इसलिए तावील की कि हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाउ अजदाद में जो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आदम अलैहि सलाम से चला है, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी शख्स आपके आबा में से बीच में कोई भी काफिर नहीं है, और आज़र तो मुशरिक था, वो नबी का बाप कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, कुरान के आयत का मतलब यह है कि वो चचा था। देखें ना, इश्क नबी है वो माने की तरफ लेकर जा रहा है, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत रसूल है जनाब, ये ताजीम रसूल है जो हकीकत की तरफ फेर कर लेकर जाती है। लेकिन कुछ लोग रट लगाई हुई है, नहीं कुरान ने कहा बाप, कुरान ने तो, कुरान तो यहां भी बाप कह रहे हैं, मानेंगे कि कुफार के बाप थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? यहां माने की तावील करनी पड़ेगी ना, असल माने की तरफ जाना पड़ेगा। वहां भी तावील पसंद कर लें, हुजूर की जात का मसला है, हुजूर की ताजीम का मसला है। अल्लाह, उलमा और मुहद्दिसीन ने इस पे किताबें लिखी हैं कि हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाव इदाद में से कोई भी मुशरिक नहीं है। ये आज़र तो मुशरिक था, इसको तुम कैसे इब्राहिम अलैहि सलाम का बाप बना रहे हो? जो इब्राहिम अलैहि सलाम का बाप है वो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाव इदाद में आएगा, तो ये आज़र तो मुशरिक था। कितनी वैसे इश्क मोहब्बत की बात है जी, जिनके दिल में हुजूर की ताज़ीम मोहब्बत थी तो उन्होंने गौर व फिक्र किया, तो उन्हें अहदीस में मिले, हवाले मिले कि ये आज़र बाप नहीं चचा है। बाप का नाम क्या था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम था तारुख। मुहद्दिसीन ने, मौर्रखीन ने, सीर निगारों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नसब लिखा है इब्राहिम बिन तारुख, इब्राहिम बिन आज़र नहीं लिखा।